नगर गोसाईगंज के आसपास आकस्मिक सेवा के लिए, पहले तो कहा जाता था कि यहाँ पर आकस्मिक सेवाओं के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है और जो भी मरीज यहाँ पर समस्या होती थी या फिर रात में कोई भी समस्या होती थी तो इनको यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध नहीं होती थी, और उन्हीं सेवाओं को देखते हुए, उन्हीं के सेवाओं को करते हुए वासल हॉस्पिटल का आज हम थोड़ा सा लाइव सेशन के लिए आए हुए हैं। और मैं संदीप जायसवाल, प्रतिभा न्यूज पर चलते हैं। आपको हम थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि ये हॉस्पिटल का रख रखाव, हॉस्पिटल की क्लीननेस, हॉस्पिटल के बारे में या हॉस्पिटल के मेंटेनेंस के बारे में हम आपको दिखाते हैं। तो हम इंटर करते हैं। तो हम आ गए हैं रिसेप्शन में और यहाँ पर सेवाएं कैसे देते हैं कुछ जानकारी लेते हैं। नैन्सी गुप्ता बताएं, जो आप पेशेंट आते हैं तो उनका व्यवहार या फिर उनके चेहरे पढ़कर ही आप जान लेते हैं कि लगभग वो किस बीमारियों से पीड़ित होगा। तो आप पहली बार जो भी इंटर करता है उसको कैसे सेवाएं, क्या पूछते हैं आप मरीजों से, क्या पूछते हैं आप? तो आप नगर की ही हैं, आपके पिताजी हेमंत कसौदन जी हैं, तो आपने ये लाइन जो चुना कि मरीजों की सेवा करना, ये मरीजों की सेवा करना आपके ब्लड में है एक प्रकार से, आपके पिताजी भी एक समाज सेवी के रूप में हैं, तो आपको कैसा लगता है कि जब आप मरीजों की सेवा करती हैं? फिर आगे हम बढ़ते हैं, हमारे यहाँ ये डॉक्टर सर, नमस्कार सर, वासल हॉस्पिटल में डॉक्टर नितिन राय सर से हम कुछ यहाँ आकस्मिक सेवाएं या जो सेवाएं उपलब्ध हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ इमरजेंसी में अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, किसी का एक्सीडेंट हो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट करना हो, इन सब चीज़ों की व्यवस्था है। किसी को इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना हो उसकी भी व्यवस्था है। तो प्राइमरी जो गोसाईगंज में पहले समस्या थी कि जो पेशेंट आते थे उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, उन्हें दूर जाना पड़ता था, वो सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। डॉक्टर साहब, लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि ये गोसाईगंज जो है कोई बड़ा डिस्ट्रिक्ट या कोई बड़ा ऐसा केंद्र हब नहीं है जहां पर बहुत सारे अच्छे पेशेंट या बहुत सारे स्टैंडर्ड या आर्थिक मजबूत यहाँ मिलते हैं, तो लोगों के सेंस में ये आता है कि अगर हम ये ऐसे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ फुल एसी वेल कंप्लीट या सारी स्टाफ चीज़ें उपलब्ध है तो शायद वो हमारे बजट में ना हो, क्योंकि बजट को देखते ये हुए ही वो ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल की तरफ जानते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल आपके बजट में है, क्योंकि हमने ये प्रोफेशन पैसे, लोगों से पैसे लेने के लिए नहीं, लोगों की सेवा के लिए चूज़ किया था। तो मेरा पहला कर्तव्य ही यही कि हम लोगों की सेवा करें। तो यहाँ पे ऐसे भी होता है जो गरीब आते हैं उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तब भी हम लोग ट्रीटमेंट जो प्राइमरी होती है वो कर देते हैं। उनके पास जब पैसे आते हैं तो होता है देते हैं, नहीं होता है तब भी नहीं देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग निर्भीक होकर आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अभी हमने यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद एक जानकारी लगी कि यहाँ पर अभी कुछ समय पहले, गत 2 या 3 दिन पूर्व, एक मुस्लिम वर्ग के माता पिता को एक बच्चे ने जन्म दिया, शायद लड़का था। हाँ, लड़का था। तो वो इस हॉस्पिटल से एडमायर होके वो अपने बच्चे का नाम वासल रखा। हाँ, उन्होंने बताया कि उन्होंने वो नाम रखा हुआ है, कम से कम हफ्ते भर की पहले की बात है। तो बच्चा जो था बर्थ एस्फिक्सिया का था, गंदा पानी पी लिया था। तो उसका प्राइमरी क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे एक टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, कुछ बच्चे गंदा पानी पी लेते हैं, तो उसकी व्यवस्था हमारे पास है। तो बच्चा वो आया, काफ़ी सीरियस था, हमने ट्रीटमेंट किया, एक दो घंटे लगे और उसके, लेकिन बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव कर गया, ठीक हो गया। और क्योंकि घर वालों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बच्चा बच जाएगा, तो इसलिए उन्होंने नाम तो हमसे बताया कि उन्होंने वत्सल हॉस्पिटल, वत्सल के नाम से अपने बच्चे का नाम रखा है। बड़ा अच्छा प्रतीत होता है जब ऐसे सेवाएं, ऐसे कोई हॉस्पिटल
में ऐसी सेवाएं उपलब्ध होती है जो कि वहाँ के पेशेंट खुद एडमायर हो जाते हैं, पंडित या उनकी माता या बुआ वगैरह कराती हैं। तो आपने जब सुना होगा कि लड़के का नाम वात्सल रखा, तो आपको कैसा क्या क्या एक्सप्रेशन होगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम कह रहे हैं वही तो मेरी कमाई वही है, लोग जो अच्छे हो जा रहे हैं, भले हो जा रहे हैं, वही उसीलिए हमने प्रोफेशन चूज़ किया था और लोग ठीक हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने बताया तो हमें भरोसा नहीं हुआ, कैसा भी हो सकता है, पर उन्होंने कहा कि विश्वास दिलाया कि नहीं, हमने ऐसा किया है। ये गोसाईगंज की प्रतिभा या प्रतिभा न्यूज पर ये कोई विज्ञापन या दिखाना कोई ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिक या कुछ प्रॉफिट्स वगैरह के लिए, ये सिर्फ यहाँ बाइट यहाँ लाइव दिखाना आपको बस ये था कि अभी क्षेत्र में थोड़ी सी चर्चा थी कि एक माता पिता अपने बच्चे को लेकर इस हॉस्पिटल में आते हैं और बच्चा सीरियस रहता है, फिर उसके बाद जब यहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ के द्वारा बच्चे का जब मेडिकल या जांच बच्चे का जो इलाज होता है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है, तो उसके माता पिता ने ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस बच्चे का नाम अभी मैंने नहीं रखा है, लेकिन ये हॉस्पिटल का नाम वात्सल है तो मैं अपने बच्चे का नाम वात्सल रखता हूँ। ये थोड़ा सा काफ़ी चर्चा का विषय गोसाईगंज क्षेत्र में था। इसी शब्दों के साथ मैं संदीप जायसवाल प्रतिभा न्यूज से। Thank you.